हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। विंटर्स में तिल के लड्डू खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, तो चलिए आज हम बनाते हैं तिल के लड्डू। यहाँ मैंने ले लिए हैं 200 ग्राम तिल और इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है। बस पानी हमें थोड़ा सा ही डालना है और हम हल्की आंच रखेंगे और तिल को हम भूनेंगे। तिल को हम हल्की आंच पर ही भूनेंगे। अगर हमने गैस तेज़ कर दी, ये बहुत जल्दी जल जाएंगे। इसे हम बहुत आराम आराम के पेशेंस के साथ हमें अच्छे से तिल को भूनना है। ये देखिए, मैंने तिल को हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लिया है। ये देखिए, अब मैं थोड़ा सा इसे ठंडा कर लूँगी। गैस मैंने ऑफ़ कर दी है और हम तिल को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए, मैं अब सारे तिल को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। और अब मैंने यहाँ ले लिया है 200 ग्राम मावा। मावा मैंने ले लिया है, ये थोड़ा सा टाइट हो रहा था, फ्रिज का था निकला हुआ। अब मैं इसको हाथों की हेल्प से तोड़ दूँगी और इसको भी हमें अच्छे से भूनना है। मावा बहुत जल्दी भुन जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता है ये। तो ये देखिए, थोड़ा सा ये मेल्ट हो गया है, लेकिन हमें इसे भी अच्छे से भूनना है और सब तरफ से हमें चलाते रहना है। अगर हमने छोड़ दिया तो ये लग जाएगा, इसीलिए कंटिन्यूसली हमें इसको चलाते रहना है। ये देखिए, मावा भी हमारा भूनकर बिल्कुल रेडी हो गया है और अब मैं इसको भी निकाल लूँगी एक प्लेट में। और अब मैंने यहाँ ले ली है चीनी। चीनी मैंने एक कप के अकॉर्डिंग ली है। आप जितना मीठा खाना पसंद करते हैं उतना हम मीठा आप लीजिए। और मैंने चीनी को एक ग्राइंडर में मिक्सी के जार में डाल दिया है। यहाँ मैंने दो इलायची डाल दी है, ये ऑप्शनल है। और अब मैं इसका एक फाइन पाउडर बना के रेडी कर लूँगी। चीनी मैंने पीस ली है, ये देखिए कुछ इस फॉर्म में। मैं इतना पतला मुझे पाउडरी बिल्कुल चीनी चाहिए थी, दानेदार चीनी नहीं होनी चाहिए, इससे आपके लड्डू थोड़े से किरकिरे बनेंगे। इसलिए चीनी को हो सके तो बिल्कुल फाइन पाउडर करिए। यहाँ मैंने एक पैन में थोड़े से काजू और बादाम ले लिए हैं, इसको भी हम अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। आप चाहे घी में करना चाहते घी में करिए, लेकिन मावे में ऑलरेडी अपना घी होता है, तो फिर मैंने इसको ऐसे ही रोस्ट कर लिया है। ये देखिए, रोस्ट करने के बाद मैं इसको निकाल लूँगी एक बोल में और इसको हम ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद मैं इसको चॉप्ड कर लूँगी। तो ये देखिए, हमारी ये सब इंग्रेडिएंट्स रेडी हो गए हैं। ये देखिए, मैंने काजू बादाम को चॉप कर लिया है, शुगर मैंने पीस के रख ली है, मावा रेडी है और हमारा तिल भी रेडी है। लेकिन अब मैं ये देखिए इसमें क्या करती हूँ, मैं इसमें थोड़े से 3 से 4 चम्मच मैं ग्राइंडर में तिल डाल दूँगी और थोड़ा सा मैं इसमें डाल दूँगी मावा। ये देखिए, और उसी ग्राइंडर में जिसमें मैंने चीनी पीसी थी उसमें थोड़ी सी चीनी भी बची थी 1 चम्मच के अराउंड, और मैंने इसमें तिल डाल दिए थे। इसमें मैं मावा डाल दूंगी, बस 1 चम्मच हमें मावा डालना है इसमें, बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे। और अभी हम पहले तिल को अच्छे से पीस लेते हैं। थोड़ा सा मैंने दरदरा इसको पीसा है, ये देखिए ऐसा हम इसको पीसेंगे। और अब मैं इसमें थोड़ा सा मावा डाल के इसको पीस लूँगी। तो अब मैं बस मुझे पल्स पे ही मिक्सी चलानी है, तो 1 सेकंड के लिए हम बस चलाएंगे मिक्सी। ये देखिए, हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा ये। और ये मैं लड्डू के अंदर स्टफ्ड करूँगी, ट्रस्ट मी बहुत ही टेस्टी लड्डू बनेंगे। आप लोग भी मेरी इस रेसिपी को बनाइए, बहुत ही अच्छे स्टफ्ड तिल के लड्डू बन के रेडी होते हैं। अब ये मैं इसका सारा बैटर निकाल लूँगी और अब कुछ भी नहीं करना है, बस हमें लड्डू तैयार करने हैं। सारी चीज़ें मैंने रेडी रखी हैं बिल्कुल। और अब मैं इसमें काजू बादाम मिला दूंगी और इसको मिक्स करूंगी। ये देखिए, मैंने सब चीज़ मिक्स करके रख ली इसमें। और अब ये जो मावा है वो मैं तिल में डाल दूंगी और जो चीनी है वो भी मैं इसमें डाल दूंगी। इन तीनों चीज़ों को मुझे अच्छे से मिक्स करना है। अब ये थोड़ा सा गर्म है, लेकिन जब हम मिक्स करेंगे चीनी वगैरह सब डाल के तो ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। आप चाहें तो अगर आपके लड्डू नहीं बन रहे हैं तो आप फ्रिज में भी इसको 5 से 10 मिनट तक रख सकते हैं, जिससे कि ये थोड़ा सा मावा इसमें टाइट होगा और आप इजीली लड्डू बना सकते हैं। और अब मैंने यहाँ पे चीनी डाल दी है। चीनी मैं सारी नहीं डाली है, थोड़ी सी मैंने बचा ली है, मुझे कुछ ज़्यादा लग रही थी तो मैंने चीनी डाल दी है। अब इसे हम अच्छे से सब तरफ मिक्स करेंगे, पूरी चीनी हमारी सब में मिल जानी चाहिए तिल में। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में मेरी इस वीडियो को।
और आप लोग भी ट्राई करिए, बहुत ही मज़ेदार तिल के लड्डू बनके रेडी होते हैं। विंटर्स में इनको खाने का मज़ा ही कुछ और है। ये देखिए बातों बातों में सारा बैटर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब बारी आती है इसमें स्टफिंग करने की। तो मैंने थोड़ा सा बैटर ले लिया है और उसके अंदर ये जो मैंने तिल का मिक्सचर बनाया था वो मैं इसमें अंदर स्टफ करूँगी। और ये देखिए मैं कुछ इस तरह से इसका पेड़ा बना लूँगी, लड्डू की शेप दे लूँगी। और हमारे तिल के लड्डू बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और बहुत ही मज़ेदार ये बनके रेडी हुए हैं। थोड़ी देर में इसे फ्रिज में भी रख लूँगी जिससे ये हमारे लड्डू थोड़े से टाइट हो जाएंगे और फिर इसे खाने का मज़ा ही कुछ और है। ये देखिए सारे लड्डू बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप लोग भी ट्राई करिए, ये बहुत ही कैल्शियम से भरपूर होते हैं। तिल में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। अपने बच्चों को दीजिए, अपनी फैमिली में सबको दीजिए और बनाइए। और अगर अच्छे बने हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर नहीं अच्छी लगी है तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, उससे मेरी आपको वीडियोज़ आती रहेंगी। तो ओके, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।